हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी यू एजुकेशन चैनल पर। आज फिर से आ रहे हैं वीडियो के साथ। आज की वीडियो रहने वाली है रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम के ऊपर। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, ये आज क्लियर करवाने वाले हैं। हर एग्जाम के अंदर लगभग इस तरीके के क्वेश्चन है जो सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित, वो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसको आज आसान तरीके से बिल्कुल आपको करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो बेसिक रूल है सीटिंग अरेंजमेंट के, वो मैं आपको बता देता हूं। सीटिंग अरेंजमेंट का दो प्रकार का होता है जी, दो प्रकार का होता है। एक जो है वो होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार या सर्कुलर बोल देते हैं अपने इसको, ऐसे सर्कल वाला, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है रेखा के ऊपर, जो होता है रेखा लाइन के ऊपर, और इस तरीके से जिसके ऊपर बिठाया जाता है। तो ये दो प्रकार के मेनली जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो आज जो हम क्लियर करवाने वाले हैं, सर्कुलर वाला, वृत्ताकार वाला, सर्कल वाला क्लियर करवाने वाले हैं। तो इसके जो मेन रूल है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे वृत्ताकार वाला, सबसे पहले तो इसका जो चक्कर पड़ता है वो दाएं बाएं का चक्कर पड़ता है। अब दो तरीके से ये पूछ सकता है, जैसे कि एक तो पूछ सकता है कि ए बी सी डी छह व्यक्ति हैं और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर मुख करके? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं ये सारे, ऐसे इस तरीके से पूछेगा, केंद्र की ओर मुख करके। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो दाया बाया अपना दाया बाया है, जैसे वो ही इनका दाया बाया होगा। जैसे अपना ये बाया है और ये दाया है, जैसे अपना ये दाया है और ये बाया है, ठीक है, वही सेम इनका दाया बाया होगा, ठीक है, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो तब। और जब बोले कि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, इस तरीके से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तब बिल्कुल इनका उल्टा हो जाएगा। जो अपना बायां है वो इनका दायां हो जाएगा, जो अपना दायां है वो इनका बायां हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब जैसे मैं खड़ा हूं, मैं केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, और जब मैं ऐसे हो जाता हूं तो केंद्र से अंदर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, तो ऐसा आ जाएगा। उम्मीद आपको ये दायां बायां का चक्कर समझ में आ गया होगा। तो दूसरा जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरीके के अरेंजमेंट दिए जाते हैं। जो नंबर एक आता है वो सम संख्या में आएगा, और जो नंबर दो है वो विषम संख्या में आएगा। सम और विषम का मतलब है कि इसमें चार पूछ लेगा, छह पूछ लेगा, आठ पूछ लेगा और दस जनों के बारे में पूछ लेगा, और विषम के अंदर पांच पूछ लेगा, सात पूछ लेगा और नौ पूछ लेगा। ये विषम संख्या है, मतलब चार छह आठ और दस बंदों को बिठाने के लिए बोलेगा, और पांच सात और नौ विषम संख्या में बिठाने के लिए बोलेगा। तो इसका डायग्राम है जो, वो किस तरीके से बनाना है, जैसे ये वाला डायग्राम है, ठीक है। इसमें जब बिठाएंगे, अगर तो बिठाना है देखो, सम वाले को बिठाना है, जैसे चार छह आठ और दस, तो हमेशा डायमीटर में बिठाना है, इसे डायमीटर बना लेना है, ठीक है। जैसे दो बैठ गए, ये चार बैठ गए, ये छह बैठ गए और ये आठ बैठ जाएंगे, इसे हमेशा ऐसे बिठाना है इनको। यहाँ पे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, क्यों बिठाना ऐसा? ऐसा इसलिए बिठाने हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ए के बिल्कुल सामने कौन बैठा है या बी के बिल्कुल सामने कौन बैठा है। अगर अपने सीधा इस तरीके से बैठाएंगे, इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, जब सामने वाला पूछा जाएगा तो अपने कंफ्यूज होंगे, जैसे कि इसके सामने कौन बैठा हुआ है। तो इसलिए इस तरीके से सम संख्या में पूछा जाता है तो डायग्राम बनाना है, और अगर विषम संख्या में पूछा जाता है फिर आप जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज मैं और बताता हूँ इसको, कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ
से करते हैं उसमें दो तरीके के शब्द आते हैं मेनली, दो तरीके के शब्द आते हैं, एक तो आता है और दूसरा जो आता है वो आता है जो। ये दो मेन आएंगे, इनका क्या चक्कर है उसके मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि जो और आता है वो आता है पहले वाले के लिए, रट लो चाहे इसको कोई दिक्कत नहीं है, याद होने चाहिए ये। और जो आता है वो पहले वाले के लिए आता है, और जो जो आता है वो दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले अल्फाबेट के लिए कह लो या दूसरे वाले अक्षर के लिए कह लो। जैसे कि मैं आपको फोर एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे ए बी के दाएं दूसरा है और सी की बगल में है। अब इसमें और आ गया और ये दो अक्षर दे दिया, अकेले दो दे दिए, ये देखो ए और बी, ठीक है। तो कौन है जो सी की बगल में है, ए है या बी है, ठीक है। तो जब और दिया हुआ है तो इसमें सी की बगल में कौन है और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, मतलब ए है वो सी की बगल में है, ठीक है। और जब जब जो दिया जाए यहाँ पे, जब जो दे दिया जाए जैसे कि यहाँ पे जो दे दिया, जो सी की बगल में है तो जो दूसरे वाले के लिए आता है, तो दूसरा यहाँ पे कौन है, बी, मतलब बी जो है वो सी की बगल में है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो और आता है वो पहले वाले के लिए आता है, जो जो आता है वो दूसरे वाले के लिए। तो इस चीजों का हमें विशेष जो ध्यान रखना है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं से भी दे देगा, जैसे ए बी और सी के बीच में बैठा है, डी है सी के बीच, सी की बगल में बैठा है, तो अब सी की बगल में तो बैठा है लेकिन दाएं बैठा है ये बाएं बैठा है, ये अपने को बिल्कुल भी पता नहीं होता। और ए और सी के बीच में ए बी बैठा है, इसका भी बिल्कुल पता नहीं कि ए किधर बैठेगा, सी कहाँ बैठेगा, दाएं बैठेगा बाएं बैठेगा। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होगा जहां पे दाया और बाया दिया होगा, दाया और बाया, दाएं और बाएं का चक्कर जहां से क्वेश्चन में स्टार्ट हो जाएगा वहां से अपने क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे दिया हुआ है पी क्यू आर एस और टी पांच व्यक्ति एक वृत्ताकार बेंच पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पांच व्यक्ति है, ठीक है। तो पांच व्यक्ति का सर्कल बना लो इस तरीके से, एक दो तीन चार और पांच। अब क्या दे रखा है, आर टी के तुरंत बाईं ओर है, अब यहीं से स्टार्ट करना है, आर है वो टी के तुरंत बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर, बाया कौन सा मैंने बताया था, ये वाला, लिख लो या तो याद रह जाएगा आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो ये हो जाएगा दाया, ये बाया ये दाया, तो आर टी के तुरंत बाईं ओर है, टी के तुरंत बाईं ओर कौन है, आर, ठीक है। पी एस और टी के बीच में बैठा है, एस और टी के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, तो एस को यहां बिठाएंगे तो ही तो एस और टी के बीच में पी और वो बैठेगा, ठीक है। अब बचा कौन, क्यों बच गया, एक बचा है तो उसको वही बैठाओ जो अपनी एक जगह बची है। तो ये हो गया सर्कल अपना, जो अरेंजमेंट था वो पूरा। अब पूछा क्या है, बताइए आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, ये राजी आर, ये बाया, ये हो गया दाया, तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, आर के क्यू बैठा है जी, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, छह व्यक्ति, अब वो पांच थे अब ये छह व्यक्ति आ गया, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, बी डी एम सी के मध्य में, चलिए इसको बना लेते हैं, छह व्यक्ति है तो छह व्यक्ति का कैसे बनाना है, इसका डायमीटर में बना लो, ये हो गए चार और ये हो गए छह व्यक्ति, छह व्यक्तियों का ये बन गया। अब क्या कह रहा है, बी डी एम सी के मध्य में है, वही आ गया, यहां से मध्य दे दिया तो मतलब
पता नहीं बी किधर है, सी किधर है, डी किधर है, ठीक है। आगे चलिए, ए ई एवं सी के मध्य में है, अभी भी नहीं हो सकता जी स्टार्ट। अब दिया हुआ एफ डी के दाई तरफ है, अब यहां से दाया आ गया, दाया आ जाए या बाया आ जाए, तो यहां से स्टार्ट करने हैं। एफ डी के दाई तरफ है, डी के दाई तरफ, यहां पे डी बना लो, डी के दाई तरफ कौन है, एफ है, डी के दाई तरफ एफ हो गया। अब दोबारा से देख लो, बी डी एवं सी के मध्य में है, डी एवं सी के मध्य में बी आ जाएगा, तो यहां पे सी बनेगा, तो यहां पे बी बन जाएगा। डी और सी के मध्य में कौन आ गया, बी आ गया, वो डी और सी के मध्य में आ गया है। अब आगे क्या कह रहा है, ए ई एवं सी के मध्य में है, जो ए है ई एवं सी के मध्य में, तो ई यहां बनेगा तो ए यहां बनेगा, तभी ए सी और ई के मध्य में आ जाएगा। अपने जो छह के छह थे वो बैठ गए हैं। अब पूछा गया है ए एवं एफ के मध्य कौन है, ए ए ये रहा, एफ ये रहा, ए और एफ के मध्य में कौन है, ई है जी, ए हमारा सही है जो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए बी सी डी ई एफ और जी सात व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रही हैं, ठीक है। सात व्यक्ति है तो सात व्यक्ति का एक घेरा बना लो, तीन चार पांच छह और सात व्यक्तियों का ये घेरा हो गया। अब कह रहा है एफ जी के दाई और दूसरा है, एफ जो यहाँ पे जी बन गया, जी के दाई और पहला और दूसरा कौन सा है, कौन है, एफ है। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, छोड़ दो। ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाई और चौथे स्थान पर है, कौन है, ई जी के दाई और चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पे आ गया जी ई, ठीक है। ई जो कि सी का पड़ोसी है, सी इसके पड़ोस में आएगा, पास में आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है, जी के दाई और चौथे स्थान पर है, डी ई और ए के बीच में है। अब देखो डी है जो ई और ए के बीच में बैठाना है, यहां बिठा नहीं सकते क्योंकि ई और ए के बीच में होना है, यहां नहीं बैठा सकते, तो यहां को, यहां पर अगर ए बैठाते हैं तो यहां पे डी बैठा सकते हैं क्योंकि ई और ए के बीच में है। अब दोबारा फिर से पढ़ लो, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का, इसको भी छोड़ दो। ई जो कि सी का पड़ोसी है, ये देखो सी यहां पे आ जाएगा क्योंकि ई है जो सी का पड़ोसी है। अब बचा कौन है, बी, तो यहाँ पे बी बना दो, हो गए जी सात पूरे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जी के बाई और चौथे स्थान पर कौन सा है, जी के बाई और चौथे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी है जी, सी बाई और चौथे स्थान पर है। और नेक्स्ट में कह रहा है जी के बाई और कौन है, जी के बाई और का मतलब तुरंत बाई, जी के बाई और ए है जी, जी के बाई और कौन है, ए है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, अब इसमें दो दो का ग्रुप है क्योंकि पड़ोसी होते हैं वो दोनों ही होते हैं, इधर वाला भी इधर वाला भी, ठीक है। एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी है जी सी और बी, सी और बी जिसमें दिया होगा वो एफ का पड़ोसी होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहा है। अभी ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।